एटी एक्सपो 2023 भुवनेश्वर स्थित जनता मैदान रे अनुष्ठित हो जाइछि। मुख्य अतिथि भाबे छत्तीसगढ़ राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन जोगदी कार्यक्रम को आनुष्ठानिक भाबे उद्घाटन करिछन्ति। पांच वर्ष पर आईटी एक्सपो हेउथिबारु आईटी कंपनी को मदरे उत्साह देखा दैछि। एथिरे 60टी अंतर्जातीय आईटी कंपनी जोग दैछन्ति। विभिन्न स्टॉल माध्यमरे सेमाने निज प्रोडक्टर प्रदर्शन करुछन्ति। आईटी क्षेत्र में हेउथिबा परिवर्तन एवं आईटी को लोकों निकटतर करिबा कार्यक्रम मुख्य उद्देश्य रही छि। ये निश्चित भाव में बहु गुरुत्व बहन करछि, कारण आज जुगरे यार बहु आवश्यकता रही छि। विशेष भाव प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से याकु प्रमोट करिया पाई सब प्रकार चेष्टा करछन्ते एवं आत्मनिर्भर भारत जो निर्माण करिया पाई चालिछि चेष्टा एवं विश्वर तो अनेक क्षेत्र रे आज आमे अग्रणी भूमिका नेइछे एवं से क्षेत्र रे ए आईटी टेक्नोलॉजी ये जो ये हमको बहुत साहय कर एवं आपको जी प्रमोट करवा से कारण आप जानते विशेष भाव में कोविड 19 पैंडेमिक जो है कोरोना जो आतंकित हो गले समस्ते स्कूल कलेज जो पिला छाड़ापी कि चाहिए नहीं यूनिवर्सिटी प्राय बंद हो गला ए प्रकार अवस्था ऑनलाइन पाठपढ़ा चलला ना तो पाठपढ़ा चली जाता समस्त मूर्ख ही जाते अर्थनीति पंगु हो गला किंतु ऑनलाइन द्वारा सब बिजनेस भी चलला बाकी अनेक समय बहु जोड़ा का बहु आवश्यकता मीटिंग अच्छी कि विभिन्न सिंपोसियम होती कि कन्वोकेशन भी आड्रेस करला बेलू से ऑनलाइन मत करने पड़ला तेणु इनफर्मेशन टेक्नोलोजी बहु आवश्यकता रही ये जो एग्जीबिशन आशा करूँ जे जो मैंने आसबे देखिए जो स्टल पकड़ जो मैंने सर अर्गानाइजर से सचेतन करेंगे जे जो आईटी कौन एवं केत आवश्यकता अच्छे देशर और राज्य विकास तार केत आवश्यकता अच्छे से कहे मूल मूल उद्देश्य है टेक्निकल अवेयरनेस एडवांस टेक्नोलॉजी रिलेटेड लोकों को अवेयर करिबा जेहेतु आमर गोटे सोशल रेस्पोंसिबिलिटी आमे सही रेस्पोंसिबिलिटी को एथि पूरा करूछु। एथिरे आपण सबु नुआ टेक्नोलॉजी रिलेटेड 50 रु ऊर्ध एमएनसी ब्रांड आमर पार्टिसिपेट करिसेंती सबु जिंस शोकेस करा जायछि। आपण माने एडवांस टेक्नोलॉजी रिलेटेड केवल देखिबे नै टच एंड फील करिबे ताको यूज मध्ये करि परिबे आ से विषय रे ज्ञान भी नै परिबे। ग्रोथ विषय रे जिबा पर सेकेंडरी जिंस फर्स्ट हला 2016-17 आमर हेतिला आमर प्रत्येक 2 इयर्स थरे हुए 2019 हवा कथा कि 2019 सटन किसी इश्यू हो पार्लानी 2020 डिसाइड करूँ बट पैंडेमिक 2020-21 पड़ेगा तेणु 2023 बड़ गैप हो बड़ मानते बहुत बड़ गैप होता 6-7 वर्ष कि वर्ष आप देखिए ग्रोथ वे गले टेक्नोलॉजी वाइज आम ग्रोथ बहुत हो सारा टेक्नोलॉजी ग्रोथ हाला फल नो डाउट टेक्नोलॉजी ग्रोथ है मैंने आईटी भी ग्रोथ बढ़ो आजिकल आईटी जॉब अपॉर्चुनिटी आप चारिआड़े देखुथिबे बढ़ुछि तेणु यहाँ निहाती गोटे टेक्निकल अवेयरनेस पिला रही दरकार एटी आप देखते खाली आईटी रिलेटेड प्रोडक्ट नहीं आईटी रिलेटेड प्रोडक्ट तो रही नो डाउट आईटी एक्सपो अच्छी छड़ा भी आम एआरवीआर सिस्टम रखीचु होम ऑटोमेशन भी रखाई एटी आप गोटे एक्सपीरियंस जोन कराई जोटि की पिला बड़ मैंने समस्त एआरवीआर नहीं पारे होम ऑटोमेशन ऑडियो विजुअल सिस्टम अच्छी गेमिंग जोन है तो ये बहुत किसी जिनस अच्छी छड़ा प्रत्येक दिन भी आम तीन दिन जाक 6-7-8 भल भल रिनाउंड प्रोफेसर एवं बड़ बड़ डिग्निटीज मैंने आहाँ सहित आम सेसन भी रही 11-12 सेसन तीन दिन भितर अच्छी जो थे पिला रोबोटिक्स विषय एआरवीआर विषय प्रिंटर डिविजन प्रिंटर विषय पैनेल 5T पैनेल विषय भी गोटे पैनेल बस भी डिस्कसन हे ता छड़ा सीटीडीसी भी तरफ चंद्रयान-3 विषय जहाँ जहाँ से कृतित्व रही भी गोटे सेसन ने तो यही विषय बहुत किसी रही जोड़ा को
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଜିନିଷ ଡାଇରେକ୍ଟ କିଣିବାର କିଛି ସୋର୍ସ ନାହିଁ। ଏଠି ଆପଣ ଯାହା ଦେଖିକି ବୁକିଂ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କାଉଣ୍ଟରରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ସହିତ ଦେଇପାରିବେ, କମ୍ପାନୀ ବାଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଫଲୋ ଅପ୍ କରିକି ସେମାନେ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ରହିଲା ଏଠି କମ୍ପାନୀ ପାଖାପାଖି ଆରାଉଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି 58-59 କମ୍ପାନୀ, 60 ପାଖାପାଖି କମ୍ପାନୀ ଆମର ଏଠି ଏମଏନସି କମ୍ପାନୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବାକି ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି, ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ ରହିଲା 6-7-8 ଟିକେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଆମକୁ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଟାକୁ ସଫଳ କରିବାର ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶୁଭମ ନନ୍ଦଙ୍କ ସହ ହରପ୍ରସାଦ ବିଷୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।